जब मैं मर जाऊं तो उन्हें इतला कर देना ताकि मेरी आखिरी मंजिल तक वो जरूर मुझे पहुंचे। दानियाल बेटा, आगे रोको दानियाल को। मैं क्या रोकूं अम्मी, जब आपने खुद अपने बेटों का सर झुका दिया सबके सामने। सर, मैंने सर झुका, मैं ना खुद आई सर बल्कि हानिया को भी साथ लेकर, और हानिया ने सरीन को बताया कि मैं आपकी मशहूर फैमिली से माफी मांग ली। सरीन ने पता है कितना जलील किया मुझे। वो मेरा मजलूमियत की आड़ में इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। बहुत भयानक इंतकाम लिया है हुमैरा ने मुझसे माफी मांगने का। आप उसे फौरन कागजात भेजवाएं। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके जाने के बाद सलीम ने मेरे साथ क्या सुलूक किया। ये देखिए तमाचों की निशान। सायरा, पता नहीं आपकी खातिर और कितने तमाचे कहानी होंगे, कभी सलीम से और कभी अपनी बेटी से। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हुमैरा को उसकी मकारी की सजा से रोकूंगा। मैं आज ही नहीं, आज नहीं, आज मैं सौलिया को रोक सकता हूँ। उसके बाद मैं सलीम को छोड़कर खुद ही आपके पास आ जाऊंगी, अपनी बेटियों से भी सारे रिश्ते नाते तोड़ लूंगी। भी चलती। रुको सायरा, सायरा, भाई ने कितना पैसा खर्चा अपने बच्चे के बेडरूम पे, जरा देखें जाके। मैं क्या करूंगी देख के, उसका बच्चा है, उसका पैसा है, जैसे चाहे लुटाए। वो बात तो ठीक है अम्मी, मगर सवाल है, देख लीजिएगा पहले से ज्यादा मूंग दलेगी हमारे सीनों पे, जिस लाड प्यार से लेकर आ रहे हैं ना भाई। अब तू ना ज्यादा जुबान ना चला, देख तू फूफो बन जाएगी, मैं दादी बन जाऊंगी। कितना अरमान था मुझे शहजाद की औलाद का, अल्लाह अल्लाह करके तो पूरा होने जा रहा है। वाह अम्मी वाह, जबरदस्त, आप तो फौरन ही बदल गई। अरे औलाद से ज्यादा उसकी औलाद प्यारी होती है। वैसे देख ज्यादती भी तो हमने की ना सालिया के साथ, एक तो हम दोनों ने मिलके उसको मारा, ठीक है